तो हेलो एवरीवन, कैसे सो लो, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माइनक्राफ्ट। तो गाइस, 2021 ऑलमोस्ट खत्म होने को आ गया है और मैंने जैसे कि आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं दो वीडियोस बनाऊंगा 2001 के लिए, जो कि होगा, एक होगा टॉप 5 शेडर्स और एक होगा टॉप 5 टेक्सचर पैक। और ये दो जो शेडर्स और टेक्सचर पैक होंगे वो पुराने सारे शेडर्स को में से टॉप 5 जो कि मेरे सबसे ज़्यादा पसंद है उन्हीं शेडर्स को मैं कल एक ही वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो ये कह सकते हो कि वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट शेडर्स और टेक्सचर पैक के वीडियोस होने वाले हैं। तो उसमें से टॉप 5 शेडर्स की जगह तो मैंने आपको टॉप 10 शेडर्स बताए थे पिछले वीडियो में, और ये वाला वीडियो होने वाला है टॉप 5 टेक्सचर पैक। तो आई होप कि आपको मज़ा आएगा इस वीडियो को आगे देखकर। तो अगर आपको मज़ा आया तो वीडियो को लाइक कर देना, आज का लाइक हम रखते हैं 30 लाइक्स का। एंड अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसे ही वीडियोस को फ्यूचर में देखने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की। तो गाइस, हमारा जो पहला टेक्सचर पैक है इसका नाम है स्टे ट्रू। और तो गाइस, स्टे ट्रू क्या करते हैं कि आपके पूरे गेम में जितने भी मतलब ग्रीनरी है उसे काफ़ी ज़्यादा बेहतर बना देता है, और साथ ही साथ कुछ ब्लॉक्स को भी अच्छा देखने में बना देता है, इसके अलावा कुछ नहीं करता। एंड जैसे कि देख सकते हो इसमें डायमंड का आर्मर का कस्टम स्किन कह सकते हो ये है, एंड गोल्ड का तो नॉर्मल है। वो ये डायमंड नहीं, ये नेदराइट का था जो कि डायमंड जैसा दिखने में हो गया। तो स्टेट रूम में अभी नेदराइट का भी आर्मर आ चुका है। एंड अगर आपको बेटर लीव्स जैसे टेक्सचर पैक्स चाहिए जो वो भी इसमें मिल सकता है, तो आपको पता होगा कि इस वाले टेक्सचर पैक आपको क्या क्या देता है। तो हाँ, ज़्यादा तो डिटेल में आपको बताने का ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि ये वाला टेक्सचर पैक क्या करता है, क्योंकि मैंने इसका एक वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है। तो हाँ गाइस, अगर आपको अपने ग्रीनरी को अच्छा बनाना है तो इस वाले टेक्सचर पैक को आप लोग यूज़ करना। तो अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट टेक्सचर पैक की ओर। तो गाइस, हमारा जो सेकंड नंबर पर टेक्सचर पैक आता है, ये आपको देख के पता चल गया होगा कि ये क्या है। ये है फेथफुल टेक्सचर पैक, जो कि अभी 1.18 के लिए भी अपडेट हो चुका है। तो ये आपको क्या करता है कि आपके पूरे जो गेम का पिक्सेल है उसे 32 पिक्सेल का बना देता है। नॉर्मली आपका गेम शायद से 16 पिक्सेल का होता है, मुझे श्योर नहीं हूँ इसलिए मैं बता नहीं सकता, लेकिन इतना पता था कि फेथफुल से कमी है, तो इसका मतलब या तो 16 होगा, 8 पिक्सेल तो होगा नहीं। तो हाँ, आपको आपका गेम काफ़ी ज़्यादा शार्प दिखने लगता है इसी के वजह से। तो ये वाला टेक्सचर पैक आपके गेम को पूरी तरीके से मतलब शार्प कर देगा और पिक्सेल बढ़ा देगा, जिससे क्या होगा कि डिटेल भी काफ़ी ज़्यादा कई कई जगह पे बढ़ जाएगा। तो यही आपका यही चेंज करता है आपके गेम का। तो इससे ज़्यादा कोई भी ज़्यादा चेंजेस नहीं आता इस वाले टेक्सचर में, तो इसे भी आप लोग आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। तो अभी बढ़ते हैं हमारे थर्ड टेक्सचर पैक की ओर। तो गाइस, थर्ड नंबर पे जो टेक्सचर पैक है इसका नाम है जिकलस। जिकलस मेरा वन ऑफ द फेवरेट टेक्सचर पैक है, क्योंकि ये मेडिवल टेक्सचर पैक कह सकते हो, आपके पूरे गेम को मेडिवल लुक दे देगा। हालांकि मैं अभी शेडर इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसलिए आपको कोई भी जगह से मेडिवल लगेगा नहीं। तो और गाइस, आप सभी को पता होगा कि मुझे मेडिवल काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो इसी के लिए मैं इस टेक्सचर पैक को रखा हूँ। काफ़ी ज़्यादा मेडिवल टेक्सचर पैक था, लेकिन उसमें से मैं इसे चुना, क्योंकि ये आपके गेम को पूरी तरीके से बदलता भी नहीं, और साथ ही साथ इसमें थोड़ा बहुत हल्का सा एक मेडिवल टच भी दे देता है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैंने इस टेक्सचर पैक को यहाँ पे रखा था। तो इसका नाम है जिकलस। अभी बढ़ते हैं हमारे फोर्थ टेक्सचर पैक की ओर। एंड सच बताओ तो फोर्थ एंड फिफ्थ मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है। तो हाँ, अभी चलते हैं हमारे फोर्थ टेक्सचर पैक की ओर। तो गाइस, अगर आपको ऐसा कोई टेक्सचर पैक चाहिए जो कि आपके गेम को हाईली डिटेल्ड बना दे, तो ये वाला टेक्सचर पैक काफ़ी ज़्यादा काम आ सकता है। और ये एकदम कह सकते हो हार्ड कोर है, जो कि मेडिवल टच देता है। ये इतना मेडिवल टच दे देता है कि आपको ये और माइनक्राफ्ट नहीं रहता जो आप वैनिला में देखे हो। तो इस टेक्सचर पैक का नाम है पैट्रिक्स। ये पेड है, लेकिन आप लोग फ्री में भी इसे डाउनलोड कर सकते हो, लिंक सभी का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो देख सकते हो ये इतना ज़्यादा डिटेल है, मतलब इतना ज़्यादा मैं कह सकता हूँ कि लो एंड पीसी के लिए काफ़ी ज़्यादा डिटेल है। ग्रास देख सकते हो इतना काफ़ी ज़्यादा डिटेल है, एंड इसे मेडिवल टच दिया गया है काफ़ी अच्छी तरीके से। ये देख सकते हो ग्लासेस में जैसे लगता है कि जंग मतलब आयरन रस्ट पड़ गया। तो और ये देख सकते हो ये ट्रैप डोर्स है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। तो ये जो टेक्सचर पैक है, ये मतलब कह सकते हो मैं टॉप 5 में फोर्थ नंबर पे इसे रखा हो, तो समझ सकते हो ये मेरा कितना ज़्यादा फेवरेट है। तो इसे भी आप लोग ट्राई कर सकते हो। और हाँ गाइस, ये तो हो गया। अभी चलते हैं हमारे लास्ट टेक्सचर पैक है, और इसे आप लोग ज़रूर से देखना, क्योंकि ये वाला सबसे ज़्यादा फेवरेट है मेरा। चलते हैं अपने लास्ट टेक्सचर पैक की ओर।
तो गाइस आपने माइनक्राफ्ट के ट्रेलर्स वगैरह तो देखे ही होंगे यूट्यूब पे, तो उसमें आपको काफी ज्यादा एनिमेशन से भरा हुआ एक ट्रेलर दिखा जाता है जो कि काफी ज्यादा मजेदार होता है। तो अगर आपको वैसे ही एनिमेशन अपने गेम में डालने हैं तो ये वाला टेक्सचर पैक आपके लिए है। तो देख सकते हो कोई थोड़े बहुत डिटेल्स देख ही सकते हो काओ, जैसे काओ नॉर्मली उसके चार पैर यूज करके मूव करे। तो इस टेक्सचर पैक का नाम है फ्रेश एनिमेशन, ये वन ऑफ द फेवरेट टेक्सचर पैक है मेरा। तो हाँ अगर आपको मतलब पूरे एनिमेशंस वाला अगर टेक्सचर पैक आपको चाहिए तो ये वाला टेक्सचर पैक आप लोग यूज़ कर सकते हो। इसमें देख सकते हो विलेजर्स के मूवमेंट से लेकर विलेजर्स के आईब्रोज तक भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे जो विलेजर मूव कर रहा है एंड आयरन गेलम, इन सब के मूवमेंट में एकदम एनिमेशन डाल दिया गया। और ये धीरे धीरे इतना अच्छा नहीं था, धीरे धीरे इसमें अपडेट्स आए एंड ये ऐसा हो चुका है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, देख सकते हो इस गोलेम को जैसे मूव कर रहा है। तो ये वाला टेक्सचर पैक तो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है। लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग यहाँ से मतलब वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो गाइस आज वाले वीडियो में इतना ही था, आई होप कि आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, आज का लाइक हम रखते हैं 30 लाइक्स का, तो आई होप कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड गुड बाय।